कमेंट पर काम नहीं करूंगा मैं वापिस आते हैं यहां पर मैं आपसे बात करूं कि क्लास का जो पैटर्न होगा आप सारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ने के लिए हो एक क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा शुरुआत शुरू करें हम लोग जितना भी क्लास आपने कहीं भी पढ़ा होगा बचपन से लेकर आज तक ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आपने क्लास नहीं किया है अंग्रेजी नहीं पढ़ा आपने आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी सीखने के लिए हर कर्म करे होंगे आपने हर चीज़ पेपर पढ़ा होगा किसने कहा कि हिंदू पढ़ लो अंग्रेज़ी आ जाएगा तो आपने हिंदू खरीदना भी शुरू किया होगा हिंदू खरीद कर बोला कि एडिटोरियल पढ़ लो पढ़ना शुरू किए होंगे तो खाली वो कैब वो कैब मिला होगा किसने कहा वो कैब को कॉपी में लिख करके वो कैब लिखो उसको याद करो दो चार दिन याद भी करा होगा बड़े जोश में फिर जोश ठंडा हुआ कि आओ तो नहीं रहा फिर पेपर तो ले रहे होंगे पेपर खाना खाने का मारा होगा आजकल तो सारे काम करे होंगे जो भी कर किसने कहा कि फलाना किताब खरीद लो खरीद लिया होगा किसने कहा इस किताब से नहीं उस कोचिंग का नोट्स पढ़ लो ले लिया होगा किसने कहा कि आपस में डिस्कशन करो करा होगा मतलब वो हर संभव प्रयास आपने करे होंगे जिसे अंग्रेजी सीखा जा सकता हो क्योंकि इस उम्र में आने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रयास छोड़ दिया होगा कि अंग्रेजी अगर प्रयास छोड़ दिए होते तो यहाँ पर नहीं आते फिर यानी आपने अफर्ट किया होगा उस अफर्ट के अनुसार रिजल्ट नहीं मिला होगा तो आप थोड़ा सा काम छोड़ दिए सबसे पहले मुझे सरेंडर करके बताइए इसमें से कितने बच्चे सरेंडर कर सकते हैं कि सर मुझे अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से पढ़ना है और मुझे नौकरी भी चाहिए एक साल के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है चलिए इतने सारे बच्चे बहुत खुश हुई मुझे अब एक तो दो बार हाथ आउट पाऊंगा कितने ऐसे बच्चे हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैं क्लास में आपका क्लास का टाइमिंग वो बच्चे बता दूं मैं आपको पहले ही कितने बजे टाइमिंग है एक बजे यस क्लास की टाइमिंग एक बजे से लेकर के ये हाँ यस टू थर्टी तक क्लास चलेगा ढाई बजे तक यानी डेढ़ घंटे का बैच में लूँगा वन एंड हाफ आवर तक क्लास लूँगा आपका तो इतने बच्चे बैच में सब बच्चे पढ़ेंगे इस टाइम के अलावा इस टाइम के अलावा बीस मिनट या पंद्रह मिनट कोई कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है हाथ उठाइए इतने बच्चे ऐसे जो एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं मुझसे कि आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए सर ठीक है ठीक है तो इन सारे बच्चे जो हाथ उठाए हो एक क्लास के अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा मेरे द्वारा इसलिए दिया जाएगा कि आपने स्वीकार किया कि आपका अंग्रेजी ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए राइट right? अब जो बच्चा हाथ नहीं उठाया लेकिन है प्रॉब्लम तो सर मत बैठ जाना कोई बात नहीं <laughs> मतलब जितने बच्चे होंगे अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एक्स्ट्रा जो दीजिएगा में करा दीजिए तो ये मैं नहीं करा सकता इसके पीछे लॉजिक है लॉजिक ये है कि अगर मैं एक्स्ट्रा वो काम यहाँ करवाऊंगा तो फिर आप खुद कहोगे एक दिन बाद अरे छोड़ो यार बाहर जी से पढ़ा रहे हैं कैसे क्या पढ़ने तो इसमें से दो चार बच्चे ऐसे भी होंगे जो उसी पॉजिटिव क्या कर देंगे नेगेटिव। इसलिए चूंकि आप दस बच्चे एक्स्ट्रा रहोगे तो आपने पहले ही कहा कि सर हमको पढ़ाइए कि का का अंग्रेजी के होता है फिर कहोगे ना सर ये तो हमको आता है सारे बच्चे बोलेंगे अब सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कैसे का हमको आता है सर का जो है के होता है म जो है एम होता है और ला जो है एल होता है ये तो सबको आता होगा जी ऐसा कोई बच्चा नहीं आता होगा लेकिन सबको आता है तो मुझे बताइए कि इसका ऊपर खींच दिए तो कमल हुआ कि नहीं हुआ हुआ कि नहीं इसको भी खींच दिए तो बताइए कमल हुआ कि नहीं हुआ यही बात सिखाऊंगा कि ये कमल क्यों नहीं हुआ इसको बेसिक क्लास में आखिर ये कमल हुआ तो ये कमल क्यों नहीं हुआ बोलो क्वेश्चन है कि नहीं आखिर ये कमल क्यों नहीं हुआ तो क्या तुमसे पूछा जाएगी के क्या नहीं होता क्या बोलो होता है सर क्या बचपन से कैसे क्या नहीं पढ़ा क्या पढ़ाना तो इसका एक सेकंड में जवाब दे दूंगा आजीवन आपको टेंशन नहीं होगा बोलो हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं फिफ्टी टू और अंग्रेजी में लेटर्स कितने होते हैं इन दोनों को डिवाइड करो कितने बचेंगे बोलो जस्ट हाफ हुआ कि नहीं हुआ तो बोलो अंग्रेजी में ए इसका हाफ हुआ कि नहीं हुआ तो हाफ हुआ तो के का मतलब बोलो आधा का हुआ कि नहीं हुआ एम का मतलब आधा हुआ कि नहीं हुआ, एल का मतलब आधा हुआ कि नहीं हुआ, अब तीनों को जोड़ोगे तो बीच में भोवेल का प्रयोग करते हैं इसी को हम लोग कमल कहते हैं यानी जोड़ने के लिए भोवेल और कौनसन मान होता है और भोवेल किसी दो से अधिक लेटर को जोड़ने का प्रयास करता है अगर लेटर दो होता तो यू से जोड़ते और दो से अधिक है तो से जोड़ते इस तरह से आपका बहुत सारे स्पेलिंग इंप्रूव होगा बहुत सारा राइटिंग इंप्रूव होगा और बहुत बेहतर आपका अंग्रेजी बनेगा जैसे यहां तक बात चली है थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा सा 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 और और मैं आपको एक टेस्ट कर ज्ञान दे दूं, जानकारी ले लू कि आप कैसे काम करते हो बेटा तुम खड़े हो जाओ नाम बताओ अंकित कुमार कैसे आए डीएसएल में यह मत करना कि ऑटो से कैसे के मतलब कैसे जानकारी मिली डीएसएल का YouTube देखकर ये बताओ यूट्यूब देख के जगह मिली मुझे बताओ नैनीताल का नाम सुना है देखो बोर्ड पे लिख रहा हूँ नैनीताल देखो कितना आसान है नैनीताल ए ना बबू बोलो नैनीताल का स्पेलिंग बता दो क्या होगा अंग्रेजी में कैसे लिखोगे अगर लिखना हो तो बोलो लिखता हूँ एन ए आई एन आई टी एल बैठ जाओ ये बताओ कितने बच्चे को लग रहा है कि स्पेलिंग सही है अब देखो कोई नहीं पूछ रहा <laughs> कितने बच्चे को लग रहा है कि नैनीताल सही लिखा है कितने बच्चे को गलत लग रहा है ये <laughs> अब देखो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस पता है क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस कहते हैं सबसे पहला चीज है डरना नहीं डरना नहीं है हर चीज अगर पढ़ लिए होते देखो सारा जो राइटिंग होता है वो साउंड पे होता है क्योंकि अंग्रेजी में जो अंग्रेजी का विकास हुआ है बच्चे ध्यान देना अंग्रेजी का जो प्रोग्रेस हुआ है इंग्लिश जो बना है इंग्लिश का निर्माण जो हुआ है वो साउंड पे हुआ है समझो गौर से इंग्लिश का निर्माण कहाँ से हुआ है साउंड से हुआ जब तक आपके पास साउंड नहीं होगा किसी भी भाषा के विकास नहीं हो सकता सबसे पहले अंग्रेजी को इंग्लिश को सब्जेक्ट ना माने इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है मैथ की तरह क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जिस प्रकार आप जैपनीज बोलते हो उर्दू बोलते हो बांग्ला बोलते हो हिंदी बोलते हो उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है लेकिन आज का जो ट्रेंड है फैशन है उसमें इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दिया गया है तो इस सब्जेक्ट को ना पढ़ करके अगर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमेशा टफ़ लगेगा अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आसान लगेगा तो बेटा गप ना करो आसान लगेगा जैसे मुझे ये बताओ हमने बचपन से हिंदी में बोला पानी क्या आपके पास कोई लॉजिक है कि पानी को पानी क्यों कहते हैं क्या कोई आविष्कार हुआ है पानी के लिए कि पानी को हम पानी तभी तो बोलेंगे जब ऐसा होगा ऐसा दिखेगा कैसी बात है कभी नहीं जब आपका जन्म हुआ थोड़ा बड़े हुए मम्मी ने कहा बेटा पानी पानी पी लो तब आपको हो सके कि अच्छा मम्मी बता रही है पानी है तो पानी ही होगा और सबकी मम्मी पानी ही बोलती होगी अगर अंग्रेजन होगी तो वाटर बोलेगी <laughs> हिंदुस्तान की होगी तो पानी बोलेगी बंगला होगी तो जल बोलेगी संस्कृत में होगी तो कुछ और बोलेगी है ना तो कहने का सेंस मेरा ये है लेकिन सबका सेंस कितना है एक जल ही जीवन है दो तो जल है पानी है वाटर है चीज वही है मेरे कहने का भाव यह है कि यह लैंग्वेज नहीं है तो फिर क्या है अगर यह कुछ लैंग्वेज नहीं होता <laughs> लैंग्वेज नहीं होता तो इस पर साइंटिफिक रिसर्च होता मैथ होता तो दो प्लस दो अलग होता कुछ और बातें होती तो ये मैथ नहीं है ये इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज में फैक्ट और कॉन्सेप्ट होता है कभी भी रूल नहीं होता तो ध्यान देना इंग्लिश में कोई रूल नहीं पढ़ाऊंगा मैं इंग्लिश में जो पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट और फैक्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि इंग्लिश फैक्ट और कॉन्सेप्ट होता है वाटर है ये फैक्ट है क्लियर अब कॉन्सेप्ट की बात करें तो इंग्लिश बना कहाँ से है साउंड से अगर साउंड का ज्ञान नहीं है तो इंग्लिश का ज्ञान नहीं होगा अब साउंड से के बाद क्या हुआ होगा सबसे पहले अंग्रेजी जो डेवलप किया होगा वो सबसे पहले साउंड से ध्यान देना बच्चे इंग्लिश में सबसे पहले लोगों ने बोलना सीखा होगा बोलो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो लिखना सीखता है कि बोलना सीखता है तो आप लोगों ने भी सबसे पहले क्या सीखा होगा बोलना आप हिंदुस्तान के हैं हिंदी बोलना सीखा जो बच्चा अंग्रेज का होगा अंग्रेज बोलना सीख जाएगा एक छोटा बच्चा जन्म लिया बिहारी भोजपुरी बिल्कुल भोजपुरी का उसका माता पिता अनपढ़ हैं क्या है जी अनपढ़ घर में ल, बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को उठा के फेंक दो चाइना में किसी चाइना के माता पिता ने पाल लिया उसको रख लिया तो क्या वो लड़का हिंदी बोलेगा या चाइनीज बोलेगा क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता क्या बोलना था माता पिता ने जो बोला बोलना शुरू कर दिया उस बच्चे को फेंक दो अंग्रेज मतलब विदेश में अमेरिका फेंक दो क्या बोलेगा अमेरिकन डी एस एल में फेंक दो अंग्रेजी हिंदी बोलेगा <laughs> यानी जहाँ भी जिस बच्चे को आप जिस माहौल में रखोगे बोलो वही बोलना शुरू कर करेगा करेगा मैं सिखाना चाहता हूं यानी सबसे पहले क्या आता है साउंड अब साउंड के बाद उस बच्चे को हम उसी साउंड का जो बोलता है लिसन जो वो बोलता है उसी को कहते हैं बेटा लिखो क्या कहते हैं लिखो और उस बच्चे को बड़ा कठिन लगता है जब आपने भी लिखना सिखा होगा तीन चार पांच साल में तो एक लेटर लिखने में आपको एक दिन दो दिन चार दिन का टाइम लगा होगा और चार दस दिन बाद फिर भूल जाते होंगे तो पीछे से दो चार पड़ता होगा तब छक्का में डंडा ऐसे ऐसे फूल ऐसे है ना जी तो हमेशा प्रसन्न होती होगी यानी लेट साउंड के बाद लेटर का जन्म हुआ होगा समझो आपके बेसिक पढ़ रहा हूं मैं और मैं डेमो नहीं ले रहा मैं वाकई इंग्लिश का उत्थान दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा फिर सिखाऊंगा बात भी करूंगा यानी सबसे पहले साउंड का जन्म हुआ और साउंड जन्म हुआ लेटर का अब लेटर आपको आ गया अब लेटर का ज्ञान हो गया आपने ए सीख लिया बी सीख लिया डी सीख लिया ए लेटर थे ज्ञान मिल गया लेटर के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा था तो सबसे पहले क्या बोलता था द द तो आपने हेल्प किया कि बेटा द द दा दा नहीं दादा दा दा बोलो और सामने खड़ा क्या मुझ छड़ को तो कहूंगे अच्छा अच्छा ऐसे दिखेगा तो दादा तो कभी बच्चे क्या करते उस मोहल्ले का भी आदमी आ गया तो बच्चा दादा बोलता होगा क्योंकि उसे लगा कि इस प्रकार की बनावट का व्यक्ति मिलेगा तो मैं दादा बोलूंगा समझ पा रहे हो हमेशा बच्चा बोला माँ 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 तो तुमने क्या कह दिया बेटा माँ माँ नहीं माँ मम्मा मा, तो मम्मी को मम्मा बोला मम्मी बोली बोला उतरा तो वो समझ गया कि इस तरह की चीज चूंकि अफेक्शन देने वाले प्यार देने वाले बच्चे को क्या बोला मम्मा बोलेगा समझ पा रहे हो धोखे से पापा आ गए तो पापा पकड़ा तो पापा पा, पा, पा हो गया है ना अब बच्चे क्या पता किसको क्या बोलना है वो तो एक जो नहीं बोल पाता जो नहीं सुन पाता उसका सेंस ऑर्गन बहुत तेज होता है इसलिए बच्चा का कैचिंग पावर बहुत तेज होता है कि उसके दिमाग में चल चल कुछ चलता नहीं है समझ पा रहे हो उसे? तो क्या निर्माण हुआ लेटर का और लेटर से भी बना होगा वर्ड और बच्चा वर्ड बोलना सीखा होगा चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो चाहे बांग्ला में हो एक एक शब्द बोला होगा तब उस बच्चे को लगा कि अच्छा शब्द से बोलना है और शब्द के बाद फिर ब, प, जो बच्चा है वो पूरे मोहल्ले का दादा बन जाता होगा फिर सेंटेंस का निर्माण होता होगा समझ पा रहे हो बात को यानी कहने का सेंस है कि सबसे पहले साउंड sound, साउंड से बना लेटर लेटर से बना वर्ड और वर्ड से बना सेंटेंस और आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे साउंड हैं जिसका कोई लेटर वर्ड संभव नहीं है, है ना जी बहुत सारे ऐसे संभव नहीं है बहुत सारे मैसे साउंड निकाल देते हैं जो हम लिख नहीं पाएंगे लेकिन साउंड है को बोलता हूं लिख सकते हो दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है तो कहने का सेंस है कि ये क्या हुआ दिज ऑल आर साउंड बहुत सारे साउंड ऐसे हैं जिसको हम लिख नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं समझ सकते हैं क्या बोलना चाहे तो कहने का सेंस है कि साउंड हम लोग हर चीज का कर डेवलप करते हैं और लेटर वर्ड और सेंटेंस लेकिन इसके साथ साथ जब व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है तो सेंटेंस बोलता है लेकिन जब लिखना सिखाते हैं उसको कि राइटिंग करो तो उसे टफ लगता है इसलिए बहुत सारे बच्चे को आप सब में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको मैं कहूंगा कि ऐसे लिखो तो आप अभी भी लिख नहीं पाएंगे क्यों क्योंकि राइटिंग आपका कमजोर है इसलिए हिंदुस्तान के बच्चों का या बहुत सारे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों का राइटिंग स्किल्स बहुत कमजोर होता है चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो क्योंकि राइटिंग करने के लिए फिर आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ना होगा एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ना होगा और इसके लिए आपको एक प्रॉपर ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगी यानी यहीं से बना ग्रामर और ग्रामर का में क्या होता है नियम और कानून होते हैं कि आपको चलना कैसे जब आप बड़े हो जाते हो तो लोग कहते हैं रोड के बाएं चलो भाई मैं चलूंगा दाएं क्या हो जाएगा तो एक्सीडेंट होगा मरोगे समझ पा रहे हो तो आपको चलने के लिए नियम का उस प्रकार ग्रामर के अंदर नियम और कानून होते हैं जिसके आधार पर आप एग्ज़ाम पास करते हो एग्ज़ाम क्यों मैं क्यों होता ग्रंथ भाई एग्ज़ाम इसलिए लेता है वो कि ताकि आपको भीड़ से अलग कर पाए एग्जामर जो है वो सिलेक्शन के लिए नहीं पूछता रिजेक्शन के लिए पूछता है जब भारत को आज़ादी नाइन्टीन फोर्टी सेवन में मिला था तो भारत का बंटवारा जब अड़तालीस में हुआ था तो बहुत सारे आई पाकिस्तान चले गए थे तो भारत में आई का भाव हो गया था तो पहली बार आई की वैकेंसी उन्नीस सौ में निकला था तो उसमें वैकेंसी थी 250 पोस्ट की क्योंकि जनसंख्या भी कम था तो ढाई सौ पोस्ट की फॉर्म निकला कि भाई डीएम का पद का उसमें दो सौ लोगों ने फॉर्म भरा दो सौ लोगों ने फॉर्म भरा जितने लोगों ने फॉर्म भरा उसका कोई एग्जाम नहीं हुआ न पीटी न मेंस न कुछ बस खाली बोला कि सर्टिफिकेट लेते आइए और ज्वाइन करिए कहां ज्वाइन करना है क्योंकि उस समय आधार सिलेक्शन था रिजेक्शन नहीं था क्योंकि अभाव आई नहीं है उसमें बी भी नहीं थे आज भी आप अपने गाँव में ग्रेजुएट हो तो आप पता करो कि क्या तुम्हारे गांव में सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं नहीं आज भी पीएचडी का भाव है कि बताओ यानी आज भी ग्रेजुएशन का भाव है बहुत बच्चे ग्रेजुएट नहीं हैं बहुत बच्चे मैट्रिक जाकर पढ़ाई छोड़ दिए कुछ इंटर में छोड़ दिया कोई पार्ट वन में गया तब क्लास छोड़ दिया कहने का सेंस मेरा यह है कि जब किसी भी चीज का जब विकास होता है जब व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें निकला तो ढाई सौ में सबका दो सौ सबका हो गया से पचास सीट खाली रह गए तो उसमें आधार क्या था सिलेक्शन और आज आधार है रिजेक्शन क्यों भाई आज सीट है अगर पांच तो पांच लोग फॉर्म नहीं भरते पांच लाख फॉर्म भरते फाइव लैक्स सीट कितने हैं 500. बोलो ऐसा है कि नहीं है अब 500 सौ सीट में अगर 5000 हजार छोड़ो ना भाई 5000 हजार भी लड़के लोग फॉर्म भरते हैं तो बताओ कि चार हजार चार हजार ना ना पाँच, हाँ पांच सौ तो चार हजार सौ लोग फेल होंगे नहीं होंगे बताओ इसका मतलब यह हुआ कि बोलो अगर सिलेक्शन का आधार होगा तो सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और सारे बच्चे किस मुकदमा ठोक देंगे कि मैं भी सिलेक्ट मैं भी सिलेक्ट मैं भी ग्रेजुएट मैं भी ग्रेजुएट बस समझ हो इसलिए वो क्वेश्चन का आधार बनाया कि ताकि आपको भीड़ से अलग कर पाए राइट right? इसलिए आपका एग्जाम होता है कि आप भीड़ में से कैसे अपने आप को अलग कर पाए और आप कैसे इस पोस्ट के योग्य हैं भाई संस्कृत से तुम डीएम बन गए डीएम में कहीं संस्कृत की आवश्यकता है क्या मैथ से तुम आई बन गए बोलो मैथ की कहीं जरूरत है एसपी बनने में क्या कहीं आवश्यकता नहीं है इसका मतलब कि एक छांटने का प्रोसेस है चुनने का प्रोसेस नहीं है छांटने का प्रोसेस है इस प्रोसेस पे अगर मैं खरा उतर जाऊं इसका मतलब है कि मुझे पढ़ना ज्ञान के लिए नहीं है नौकरी के लिए है और मुझे पढ़ना इसलिए जरूरी है कि भीड़ वाले लोगों को मैं साइड कर पाऊं लाखों लोगों को मैं लात मार सकूं लाखों दुश्मन को मैं बाहर कर सकूं जितने हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं मैं भी तैयारी कर रहा हूं तो ऐसा क्या पढ़ाई पढ़ूं ऐसा क्या पढ़ा जाए कि हजार बच्चे नहीं पढ़ते हैं ऐसा क्या पढ़ा जाए कि लाख बच्चे नहीं पढ़ते हैं ऐसा क्या मैं पढ़ा दूं कि हजारों बच्चों को डिफिट करके तुम आगे निकल जाओ ऐसा क्या अंग्रेजी में दे दूं कि और बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता है सुन बात यानी मेरे साथ भी चैलेंज है और तुम्हारे साथ भी चैलेंज है अगर परंपरावादी काम तुम करे जो सब करता है तो तुम भी वहीं पहुंचोगे जहां सब पहुंचता है बासव हो यानी कि वह काम करो जो कोई नहीं करता है तो तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई नहीं पहुंचता है क्लियर सब पढ़ाता है मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं भी वहीं जाऊंगा जहां सारा काम होंगे मस्ती मजाक खेलकूद तो मुझे भी वह पढ़ाना होगा जो और टीचर नहीं पढ़ाता है क्लियर और इसका अंदाजा मैं भी करूंगा आप भी करेंगे यहां मैं जो कुछ पढ़ाऊं आप उसको हजारों टीचर के नोट से मिलाएं मैं जो पढ़ाऊं हजारों YouTube पर देखें मैं जो पढ़ाऊं हजारों बुक्स में सर्च करें अगर आपको सबसे अलग लगता है सबसे बेहतरीन लगता है एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ाया वो मिलता है जो वो कैब कराता हूं वो, वो एग्जाम में आता हो इसका मतलब है कि हाँ करने से बेनिफिट मिलेगा फायदा मिलेगा आगे बेहतर काम आपके लिए होगा तो उसी पैटर्न पे काम होगा विकास वैसे ही होता है तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य पे काम करना है और चलना कैसे है इसका हमने एक छोटा सा वाक्य बताया कि, कि आपको कैसे विकास के थ्रू आगे बढ़ना है और कैसे माइंड को मैच्योर करना है और क्यों पढ़ना है पढ़ना इसलिए है कि आपको भीड़ से अलग करना है ज्ञान अभी फिलहाल नहीं अभी फिलहाल नौकरी चाहिए क्योंकि भीड़ है तुम बहुत ज्ञानवान हो 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो दिन भर दे दूंगा तो सोल्व कर लोगे लेकिन नहीं दो घंटे के अंदर सोल्व करना है ये 200 क्वेश्चन दो घंटे में सोल्व करना है भैया तब नौकरी लगेगा दिन भर करने वाले तो बहुत महामानव है समझ पा रहे हो तो टाइम भी एक्यूरेसी भी और साथ साथ शरीर भी फिट रहे कैसे भाई खूब विद्वान थे एक्यूरेसी सही था परीक्षा के दिन ही बुखार लग गया सब कुछ सही था परीक्षा के दिन ही लूज मोशन हो गया परीक्षा के दिन ही हाथ पैर टूट गया हो सकता है ना भाई इतने लोग हैं दुनिया में जनसंख्या तो इसके लिए आपको ईश्वर को थैंकफुल बोलना है कि आप मुझे स्वस्थ रखो आप मुझे स्वस्थ रखो यानी पढ़ाई के साथ साथ मेंटल भी स्ट्रांग बनना है और दैवीय शक्ति भी प्राप्त करना है ताकि सफलता आपका आसान हो जाए चलिए इस पर काम करते हैं हम लोग अब एक प्रश्न उठता है कि सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने के लिए एक ग्रामर के साथ साथ आपके जो सिलेबस का पार्ट है हम थोड़ा तो उस पर चर्चा करें कैसे करना है इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एस एस सी पी ओ बैंक पी ओ सी डी एस सी सी एच एस एल की तैयारी करते हैं आप चाहिए हमने पाँच सात भी आपको नाम दिया एस एस सी बैंक पी इतने बच्चे हैं कितने बच्चे हैं जो आई की तैयारी करते हैं यूपीएससी पी दो हजार दस बच्चे कितने ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते बस ही सीखना है नहीं सही है जाना इतने बच्चे हैं इतने बच्चे हैं ठीक है अच्छी बात इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो बस ऐसे आज देखने आए हैं कि देखता हूँ क्या मामला है आज ऐसे बच्चे देखने आए हैं पढ़ना नहीं है ठीक है कोई बात नहीं पढ़ना है पढ़ना है ठीक एनी वे अब देखो सबसे पहले मैं क्या कहा कि हम लोगों को आगे चलना है देखना है मैं आपसे कुछ टेस्ट करूंगा दो चार क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल जीरो से, ध्यान रखना मेरा जो क्लास होगा बिल्कुल जीरो से होगा बिल्कुल जीरो से जीरो का मतलब मैं चेक ये करूंगा कि आपका लेवल क्या है और आप कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं मैं दो तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं बहुत ही सिंपल तरीके से आप जाने का प्रयास करना एक क्वेश्चन लिखा हमने देयर आर टू देर आर अभी को भी लिखा इसको देर आर टू प्रिया देर आर टू प्रिया इन माई क्लास देर आर टू प्रिया इन माई क्लास दो क्वेश्चन लिया हमने आपके साथ अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं सिर्फ आपके अंदर झांकने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी तैयारी कैसी है मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूं देर आर टू प्रयास इन माय क्लास ये जो भी पूछ रहा हूं एग्जाम का पैटर्न है पूछा हुआ क्वेश्चन है बस छोड़ा सा उठा रहा हूं देयर आर टू प्रयास जैसे लिखा है वैसे लिखना आपको इन माय क्लास देयर आर देर आर आर नहीं इस देयर इज टू प्रिया इन माई क्लास ये चार एग्जाम्पल में दिया आपको जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं हमने चार नंबर दिया देखता हूं एक नंबर दो तीन और चार फोर क्वेश्चन यू हैव चारों क्वेश्चन आप उतार लीजिए उमेश सिंह ने कहा है वन सही है सर सुभाष ने चार नंबर सही है कमल कुमार जी सर कुछ ने दो कहा किसी ने एक कहा एम डी अवतल ए सही है सर दीपक कुमार ए, ए ए ए ए मैंने पहले में बहुत लोगों का आंसर आ रहा है जी आप सभी से हाथ उठवाऊंगा मैं शिवम विश्वकर्मा चार नंबर सबसे हाथ उठवाऊंगा सारे बच्चे से थोड़ा था, था यूट्यूब पर देख ले रहा हूँ बच्चे एक बात बताऊँ आप लोगों को जो यूट्यूब बच्चे देख रहे हैं या आप भी जान रहे हो उस चीज़ को एक्चुअली कल हमने एक ऑफर निकाला है ऑनलाइन क्लास के लिए आप तो पढ़ना है ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए ऑफ़र ये निकाला है मुझे याद आ गया बच्चों देख करके ऑफर ये है कि ऑनलाइन की फ़ीस थी मेरी छः हज़ार पाँच हज़ार नौ सौ निन्यानवे तो हमने कल फीस उसकी दो हज़ार कम कर दी है तीन हज़ार नौ सौ निन्यानवे दो दो दिन के लिए क्योंकि दस पंद्रह बच्चे बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि सर मैं इतना दे सकता हूँ पूछा था कितना दे सकते हो तो उसने कहा सर तीन हज़ार नौ सौ निन्यानवे दे सकता हूँ तो हमने दो हज़ार फीस कम कर दी है ऑनलाइन में तो जो बच्चे आप यूट्यूब पर देख रहे हो पढ़ना चाहते हो घर बैठे ऑनलाइन तो आपकी फ़ीस ध्यान देना तीन हजार नौ सौ निन्यानवे हो गया फीस था छः हज़ार तो ये छः हजार कट करके तीन हज़ार नौ सौ इसमें बुक नहीं है ध्यान देना इसमें डी एस एल के बुक्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि बुक्स में कुरियर करना पड़ता है दस बारह किताबें मुश्किल होगा अगर बुक्स चाहिए तो एक हज़ार ऐड करना पड़ेगा चार हजार नौ सौ निन्यानवे ए हो गया विथ बुक्स ए बुक्स के साथ चूँकि बुक्स का कीमत है दो हज़ार तो बुक्स के साथ चाहते हो तो चार हज़ार नौ सौ निन्यानवे और विदाउट बुक चाहते हो तो तीन हज़ार नौ सौ निन्यानबे ये ऑफर है तो आपके कोई भी मित्र सिर्फ लेने होंगे चूँकि ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आना ये मेरे मुंह से निकल गया था कल लाइव क्लास में शाम के नहीं सुबह के ग्यारह बजे तो बच्चे का कमेंट देखा था और निकल गया हालांकि कंपनी वाले बोल रहे थे कि सर क्या कर दिया आप अचानक से तो निकल गया चूंकि दो सौ सीट खाली थे तो आई होप सीट फुल हुआ कि नहीं गॉड नोस लेकिन एक हज़ार होते हैं एडमिशन ऑनलाइन है मेरे तो सर्वर पे काम करता है वो सब तो दो दो तीन सौ सीट खाली था तो मैं निकल गया कि चलो बच्चों का कल्याण हो जाए उसी बहाने कुछ कुछ करता रहता हूँ है ना तो इस तरह से काम आपके लिए हो जाए खरीन वे कम टू द पॉइंट ए ऐड का काम था ऐड कर दिया हमने वापस आ जाइए यहाँ ध्यान दीजिए अब जो हाथ तो बच्चे कि कितने बच्चों को यहाँ पे पहला एग्जाम्पल सही लग रहा ईमानदारी से इतने बच्चे को पहला सही लग रहा है और YouTube पर भी बहुत सारे बच्चों ने पहला को ही सही किया है तो देयर आर टू प्रिया इन माई क्लास और पहला एग्जाम्पल अब सोलूटली राइट नहीं है गलत है पहला एग्जाम्पल अब सोलूटली रॉन्ग है बेटा सही नहीं एक तो गया अब हम चाहिए सेकेंड राइट में कितने बच्चे हैं हिम्मत करो तुका लगाओ कोई नहीं दो तीन बच्चे कोई नहीं थर्ड में कितने बच्चे हैं थर्ड राइट में चार पांच छह बच्चे फोर्थ राइट में कितने बच्चे हैं फोर्थ राइट इसमें ज्यादा उठा है तो मैं फोर की बात करूं फोर सेंटेंस अब सोलूटली रॉन्ग है यानी पहला गया चौथा गया मुझे बताओ कि ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जो समझ में नहीं आ रहा समझ में आ रहा है ना लेकिन पता है क्या है एक को... क्वेश्चन थोड़ा सा अनकॉमन लग रहा है देर आर टू प्रिया प्रियाज भी गलत हो गया अब देखते हैं तीसरा क्या है? प्रियाज कौन से का, के, की। अब का, के, की होता है तो इसके तुरंत बाद नाउन चाहिए क्या चाहिए क्योंकि प्रियाज पेन प्रियाज बिल्डिंग प्रियाज, प्रियाज भाई ब्रदर तो यहां पे इन तो कोई वर्ड है नहीं इसलिए यह भी गलत हो गया अब बच गया दो दो चेक कर लेते हैं कहोगे तो सब गलती दिया था आपने तो देर आर टू फाय क्लास दूसरा क्वेश्चन अब कहोगे कि सर सबसे अधिक तो मुझे यही लग रहा था क्योंकि जीवन में आज तक हमने प्रिया का प्रियाज नहीं सुना अब राइट और आपने सु... कभी प्रयाज मैंने क्या कहा कि जो सब पढ़ते वो नहीं पढ़ना है कॉमन नहीं अनकॉमन बनना है थोड़ा सा स्मार्ट बनना है राइट right? एक क्वेश्चन कहां से उठाया बता दू आपको ये बताओ बचपन से नाउन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है नाउन नहीं होगा पांच तरह का प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मेटीरियल पढ़ा ना पढ़ा लेकिन तुमने पढ़ा सिर्फ एप्लीकेशन नहीं किया उसको अप्लाइड नहीं किया प्रॉपर नाउन पढ़ा मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर नाउन पूरा एक क्लास प्रॉपर नाउन, नाउन का एक क्लास चलेगा डेढ़ घंटे में प्रॉपर नाउन क्या पढ़ाऊंगा भाई लेकिन डेढ़ घंटे का क्लास सिर्फ प्रॉपर नाउन पे चलेगा क्यों क्योंकि बिना प्रॉपर नाउन के आप राइटिंग नहीं कर सकते बिना प्रॉपर नाउन के अंग्रेजी का जड़ नहीं होगा भले मुझे बताओ कि प्रॉपर नाउन प्रिया है कि नहीं yes, है ना प्रॉपर नाउन प्रिया है जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला दो क्रांति आ चुका है देखो क्रांति है यानी प्रिया का हमने बना दिया प्लूरल प्रियाज बियॉन्ड द बुक क्योंकि आजकल एग्जाम में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है फैक्ट से क्वेश्चन नहीं आता हमने किताब में पढ़ लिया कि नाउन का नहीं बनता हर किताब में लिखा मिलेगा रूल, रूल, लिखा -E लिखा रहेगा प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। फिर लिखा रहेगा इनका प्लुरल नहीं बनाया जाता ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और भर्ब लेते हैं सिंगुलर सब ने ये बात सुना होगा जाना होगा और उसी आधार पर आपने इसको रॉन्ग किया होगा और इसको सही किया होगा भाई टू टूटा अब समझाते हैं जड़ पे आते हैं कि ऐसा हुआ क्यों क्लियर बाबू जड़ पे आते हैं अब देखो इसको मैं छुपा कर रख लेता हूँ फिर दिखा लूंगा आपको वापिस आते हैं अब गौर से हाँ देखिए कॉन्सेप्ट फिर एक बात मुझे बताइए हमने कहा एक वर्ड बोलता हूं बॉय बोलो बॉय नाउन है कि नहीं है हमने बॉय से पहले लिखा टू अब बताओ टू बॉय सही है बोल दी टू बॉय सही है गलत है अगर टू बॉय राइट है ध्यान देना अगर टू बॉय राइट है तो पहला एग्जाम्पल भी राइट होगा अगर मैं कहा टू बॉय अगर राइट कर सकते हो तो मैं इस सेंटेंस को भी राइट कर दूंगा को, क्यों सर क्योंकि टू एक न्यूमेरिकल वर्ड है क्या शब्द है बेटा नंबर है और दुनिया में जो भी नंबर आएगा ध्यान देना न्यूमेरिकल वर्ड न्यूमेरिकल वर्ड के साथ नाउन ऑलवेज होगा प्लूरल क्योंकि कोई भी नंबर आएगा कोई भी संख्या दो है चार है दस है बीस है पचास है उसके बाद आने वाला नाउन आजीवन क्या होता है बच्चे आजीवन प्लूरल क्योंकि नंबर के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता इस आधार पर ये पहला वाला सेंटेंस तुम्हारा गलत हुआ क्योंकि न्यूमेरिकल वर्ड है ये प्रिया वर्ड नहीं हो सकता जब बॉय नहीं हो सकता यानी टू बॉय के टू बॉयज टू बॉय के टू बॉयज टू पेन की टू पेन्स अच्छा आवाज नहीं निकलता है। मेरे साथ पढ़ने आया हो ना तो गिव एंड टेक बिल्कुल मेरे साथ बह रही है पढ़ाई पढ़िए मत मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा सारा चीज अभी तो क्वेश्चन दे रहा हूं जब पढ़ाऊंगा तो दिमाग में खड़ी-खड़ी लगा कि आज हमने पचाया है घर पे जाके जुगाली करोगे जुगाली समझते हो हिंदी भाषा है जैसे गाय भेस खाती है तो जुगाली करते रहती है ना वैसे ऐसा सिखाऊंगा ना कि दिन भर जुगाली करोगे याद हो जाए तो हमने कहा प्रिया बॉय टू बॉय कभी हो सकता टू पेन हो सकता है क्या फाइव पेन हो सकता है क्या कभी नहीं फाइव पेन टू पेन टू टेबल्स थ्री टेबल्स टू बॉयज टू मेन नॉट मैन गॉट पॉइंट अब हमने कहा तो पहला गलत समझ में आ गया अब एक बात समझ में आइए मुझे एक बात समझाइए कि हमने यहाँ पे कहा आपसे कि जब टू आ जाएगा तो टू के बाद बॉय संभव नहीं है ये हर हाल में टू के बाद बॉयज ही होगा और कोई सॉरी टू के बाद हमेशा बॉयज ही होगा बॉय कभी संभव नहीं है अच्छी बात अब एक समझिए ये प्रिया है ए, प्रिया बोलो प्रॉपर नाउन है कि नहीं yes, रूल कहता है प्रॉपर नाउन आजीवन होगा सिंगुलर भर लेगा सिंगुलर ये पुलल कभी बनता ही yes. ठीक है बाबू प्रिया भाई प्रॉपर नाउन है हमने नहीं बनाएंगे पुलल लेकिन मुझे एक वाक्य समझाइए बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान के तहत इस कमरे में इस हॉल में मान लो दो सौ बच्चे बैठे हैं ये दो सौ बच्चे में क्या सब एक ही फैमिली के हैं अगले फैमिली के हैं एक ही देश एक ही राज्य के हैं अगले राज्य के हैं अलग अलग राज्य के हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं अलग अलग गाँव के हैं है कि नहीं बोलो अच्छी बात यह हमारे घर में एक प्रिया पैदा हुई राइट क्या हमने अनाउंस कर दिया पूरे राज्य में देश में कि मेरे घर में प्रिया हो गई है किसी का नाम प्रिया नहीं होना चाहिए बोलो क्या मोहल्ले वाले अपने घर के बच्ची का नाम प्रिया नहीं रखते क्या रख सकते हैं ना इसका नाम तुम्हारा नहीं इसका नाम प्रिया है तो क्या उसके बगल में जो बैठी है उसका नाम प्रिया नहीं हो सकता क्या yes, इस क्लासरूम में चार प्रिया नहीं हो सकती क्या लॉजिक yes, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा वह पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछेगा और पूछता पर्सनालिटी इंप्रूव होगा तो क्या इस बैच में चार प्रिया नाम की लड़की हो सकती है yes, तुम्हारे गांव में दस लड़की का नाम प्रिया हो सकता है yes, बोलो हाँ या ना yes, हो सकता है ना बाबू yes, हमको बोलना है हमारे गांव में दस प्रिया नाम की लड़की है बोलो जवाब दे इसका तो दस प्रिया नाम की लड़की है तो हमें लिखा टेन अब टेन कहता है टेन कहता है कि हमको वह नाउन दो जो प्लुरल हो वह नाउन दो जो प्लुरल हो तो हमने लिखा प्रिया किताब में पढ़ा था कि प्रिया का प्लुरल नहीं होता लिख दिया प्रिया टेन कहता है कि नहीं बेटा प्रिया नहीं चाहिए हमको प्रियाज चाहिए क्योंकि प्रिया का मतलब एक हो जाएगी नफी भाई yes, तो प्रिया है तो प्रॉपर नाउन लेकिन जब एक से ज्यादा हुई तो प्रिया के ग्रुप में कॉमन हुई कि नहीं हुई yes, कॉमन हुई कि नहीं हुई भाई क्योंकि प्रिया 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 तो दस प्रिया मिल गई तो दस कॉमन हो गई भाई इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको विद्या नहीं कहते हैं पढ़ा तो प्रॉब्लम बहुत सर लेकिन आपको ऐसे पढ़ना अब आजीवन तुम्हारी इसको ट्रेन कर दूंगा ना ब्रेन को अगर ट्रेन कर दिया जाए हम लोग पता क्या खर्चा करते हैं कोट खरीदने में जूता खरीदने में हजार उठा देते हैं इस पर खर्च करने की बारी आता है तो दस बार सोचते हैं करूं कि ना करूं एक किताब खरीदू कि ना खरीदू बस समझ पा रहे हो परंपरावादी पढ़ाई पढ़ाऊंगा मैं कह दूं कि ट्रेन प्रिया सही होगा तुम खुश हो जाएगा क्यों खुश होगा पता है क्योंकि दस किताब निकालेगा पढ़ेगा हां सर ने सही पढ़ा था प्रिया बिल्कुल होता है सिंगुलर प्रोपल होता सिंगुलर तो मैं तुम्हारी बेटा संतुष्टि नहीं करूंगा जो फैक्ट है वही बताऊंगा और इसी को क्रांति कहते हैं आप भी यही सीखो जो पढ़ा रहा हूं तो टेन प्रिया हो चाहे टेन राम सो चाहे टेन सुधीर सो जो भी बनेगा प्रोवल सबका बनेगा तो एक फैक्ट याद किया क्या कि हमने कि कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड के बाद नंबर के बाद कोई भी नाउन आए चाहे वो कोई नाउन हो कोई नाउन मतलब उसे नहीं है वो नाउन है तो उसे प्लू होना पड़ेगा उसे प्लू होना उसकी मजबूरी है नहीं तो यूज नहीं होगा फिर यूज नहीं होगा गलत होगा फिर वो तो कितना बढ़िया फैक्ट दिया दुनिया का कोई नाउन हो अगर न्यूमेरिकल वर्ड आया है कोई भी न्यूमरल वर्ड आया है तो उसके साथ आने वाला नाउन आजीवन क्या होगा बेटा Plural. भर भी क्या लेगा प्लुरल तो बोलो देयर आर टू जो एग्जाम्पल में था यहां पे जो सेंटेंस था देयर आर आर लगाया हमने और प्रियाज किया तो बोलो आप स्लूटी राइट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे आर था लेकिन अपर स्टॉप था गलत हो गया था यहाँ पे ई था गलत हो गया था चलिए बहुत सुंदर यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया अब मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे मैं प्रॉपर नाउन से ही क्वेश्चन पूछा था प्रॉपर नाउन ही पढ़ाने का चूंकि नाउन क्लास आप सोचते हो बचपन से कि सर नाउन ही स्टार्ट करिए कोई भी चीज स्टार्ट करिए तो मैं तो बिल्कुल जर्सी पढ़ाऊंगा लेकिन आज चूकि आप डेमो करने आए हो तो डेमो में मुझे पढ़ाना नहीं होता चूंकि डेमो का मतलब क्या होता है फैशन है कि पढ़ाइए मत तो डेमो में वह चीज़ देने का प्रयास कर रहा हूं जी बोल बेटा देखो न्यूमेरिकल अगर वन हो गया तो वन का मतलब ही है लिसन 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 वेरी केयरफुली ए यू नो वेरी वेल कि वन शोस आर्टिकल आ और आ मीन्स व्हाट एक अब जो चीज एक होगा तो एक के साथ कभी आर लगाओगे बोलो एक के साथ कभी भी आर लगाओगे एक के साथ कभी वन के साथ पेन बोलोगी पेन बोलोगे आई हैव आ पेन बोलूं या आई बोलूं तो मैं बता रहा हूं ए पेन बोलूंगा तो ये पेन ही होगा और वन भी पेनि होगा पेन हो नहीं सकता तो न्यूमेरिकल जब भी कोई वर्ड आता है तो वन प्लस में आता है किस में आता है वन प्लस में ये देखो तो ये सब चीज कॉमन सेंस है क्योंकि मैं भी जो पढ़ा रहा हूं ना वो रूल नहीं है वो रूल नहीं आप आप भी जान रहे इस बात को वो टोटल क्या है कॉन्सेप्ट है मैं आपको बेसिकली दिमाग देने का प्रयास कर रहा हूं ना कि मैं आपको हराने का प्रयास कर रहा हूं मैं ये नहीं चाह रहा कि आप हारो मैं चाह रहा हूं कि आप जीतो क्योंकि जिताने के लिए मैं आपको यहां पर आया हूं ये बात हम दोनों में आपस में डील हो गई पहले ही कि आपका लक्ष्य नौकरी पाना और मेरा लक्ष्य नौकरी दिलाना दोनों के लक्ष्य एक हैं तो झगड़ा किस बात की दोनों के लक्ष्य तो एक ही है भाई मुझे पहुंचाना है तुम्हें पहुंचना है उंगली पकड़े रहो कुछ तुम हेल्प करो मेरा कुछ मैं हेल्प करूं तेरा दोनों मिलके काम करते हैं कुछ मैं पढ़ाऊं कुछ तुम पढ़ो दो कदम मैं चलू दो कदम तुम चलो चार बो मैं पढ़ाऊं दो बोकै तुम करो कुछ प्रैक्टिस मैं कराऊं तुम कुछ करो और दोनों चलो अगर नौ, नौ नौकरी लगे छह महीने के अंदर तो मेरे सामने बैच में खड़े रहो बोलोगे सर आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं आ रहा जो पढ़ाऊंगा वह बहू आएगा नाम बदल सकता है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा नाम बदलेगा राम के बदले श्याम हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर वही होगा जैसा पढ़ाऊंगा क्लास में अगर सीखने आए हो तो यह आपका लाइफ का अंतिम संस्थान है इंग्लिश का अगर यहां नहीं सीखे तो पूरे हिंदुस्तान में अधूरे रह जाओगे क्योंकि मैं इंग्लिश पे रिसर्च कर चुका हूँ और इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड है और इंग्लिश पे ही मैं काम करता हूं और सिखाने पे ही रिसर्च मेरा है इंग्लिश कैसे इजी बनाया जाए और कैसे किसी बच्चे के दिमाग में डाला जाए इसे दिमाग से हटा देना कि हाँ नहीं सीख पाएंगे यहीं पर सीखोगे और कहीं सीखी नहीं सकते और यहीं से नौकरी लगेगा यही तुम्हारा प्रयास होगा बस दोनों मिलकर लग जाएंगे तूफान आ जाएगा मेरे बिना ईश्वर कुछ कर सकता है बोलो तुम कह हो ईश्वर तो तुम्हारे मेरे बिना तुम मतलब मैं तुम्हारे मतलब बोल रहा हूं मेरे बिना ईश्वर कुछ नहीं कर सकता और मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता अगर दोनों मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते अगर दोनों मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते ये बात तो बोला था भाई तुम खुद विद्वान हो परीक्षा और जाने से पहले सर में दर्द हो गया तो क्या कहते हो भाग खराब था यह नहीं कहते बाबू तो भाग नहीं है ये पता क्या है आपका कर्म है एक कर्म नेगेटिव थॉट है अगर थॉट रखो पॉजिटिव कहो कि मैं ही करूंगा मैं कुछ भी प्राप्त कर लूंगा दुनिया कोई एग्जाम हो पास कर जाऊंगा पास कर जाऊंगा देखो एक क्वेश्चन और देख लो फिर बात करते हैं हम लोग बहुत ही सिंपल से और प्रॉपर नाउन से ही पूछ रहा हूं देखो, अजमा लो एक क्वेश्चन है कि इंडिया इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाई टू विकेट इंडिया हैज बोर्न दिस मैच बाई टू विकेट्स आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं आज मैं आपको खंगालूंगा सबसे बेसिक चीज सबसे बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं सबसे बेसिक क्वेश्चन एकदम जड़ कोई ये तुम पेपर रोज पढ़ता होगा इंडिया हैज बोर्न दिस मैच बाई टू विकेट लॉलीपॉप नहीं है।, है ना चलो दूसरा क्वेश्चन देखो ये पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू India has won this match कोई बोलेगा नहीं बस अपने अपने कॉपी में लिखिए टू विकेट तीसरा क्वेश्चन बच्चे द इंडिया हैव वॉन दिस बोलेगा नहीं बोलेगा नहीं कहीं पढ़ने में दिक्कत तो पूछ लेना मैच बाय टू विकेट्स सब पढ़ पा रहे हो बच्चे क्वेश्चन नंबर चार द इंडिया हैज दिस मैच बाय सब पढ़ पा रहे हो सारे लोग पढ़िए इसको फटाफट फड़ लिखिए तब तक मैं कुछ एक दो बच्चों का कमेंट देख लूँ। सेम कोई नहीं है जैसे लिखा है उसे लिखो एक भी क्वेश्चन सेम नहीं बाबू अंतर फिल करो अंतर हुआ कुछ ना कुछ कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा हाँ एक भी क्वेश्चन सेम नहीं है शुभम विश्वकर्मा ने कहा सर तीसरा सही है ज्योति कहा कि सर दो सही है ज्योति ने कहा चार उज्जवल ने कहा कह चार सही है प्रधान ने कहा एक सही है इंडिया हैज़ बॉर्न दो 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 बहुत लोगों का दो जवाब है मैक्सिमम लोगों का दो जवाब है दो बहुत बच्चों का तीन भी जवाब है किसका चार भी मतलब सब में जवाब है तीन भी है हरिशंकर मन्नू कुमार मन्नू कुमारी सर रजिस्ट्रेशन कैसे करूं बेटा रजिस्ट्रेशन करना है तो आप एक काम करो आ, 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 आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर लो जो देखोगे आप व्हाट्सअप नंबर तो मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूं तो उसमें क्या करना है कॉल कर लेना या फिर आप आप जाओगे प्ले स्टोर पे तो प्ले स्टोर पे क्या करना है कि आप वहाँ से डी एस इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लेना बेटा व्हाट्सअप नंबर मुझे दे दो तो, बच्चों को बता दूँगा व्हाट्सअप नंबर या वहीं से बोलो जवाब नहीं दे रहा क्या वो लोग प्रतीक को बोलो जो वहीं जवाब दे देगा व्हाट्स में दे देगा है ना बहुत सुंदर तो बहुत बढ़िया जवाब देखो बहुत अच्छे खेल रहे हैं देखो कितना जवाब आ रहा है बहुत सुंदर बच्चे बच्चा खेल खेल रहे हैं सर बहुत सुंदर तो एक मजा भी आता है तो खैर नहीं भाई तो आप देखो देखते हैं गौर से आप सबों में से बहुत सारे बच्चों को आंसर ये लगा है कि इसको दो लगा है लेकिन ईमानदारी से बोलो इसमें से कुछ भी लग रहा होगा बोलो सब का सब तुक्का है कि नहीं है अगर लॉजिक हुआ तो खड़ा होने के लिए तैयार रहना ये व्हाट्सएप मैं लिख दे रहा हूं आपको जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं जिनको जरूरत है व्हाट्सएप नंबर का कॉल करें मुझे नाइन 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 जीरो नाइन थ्री सिक्स नाइन सिक्स फोर ये व्हाट्सएप नंबर है इस डीएसएल का जिसपे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम ही पूछ सकते हैं और ये व्हाट्सअप करो तो स्टाफ आपको समझा देगा कि कैसे क्या करना है राइट right, बच्चे और WhatsApp नंबर है इस थ्रू है और एक नंबर मैं आपको देता हूँ जिसके माध्यम मतलब से कॉल भी कर सकते हैं नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है व्हाट्सअप कर लेना छोड़ो ये व्हाट्सअप नंबर कहीं है अब देखो इंडिया हैज़ वॉन दिस मैच बाई टू विकेट्स इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाई टू कितने ऐसे बच्चे हैं महामानव जिनको पहला एग्जाम्पल दावे के साथ सही लग रहा है और वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं लॉजिक के साथ कि सर पहला सही है मेरे पास लॉजिक है मैं जवाब दे सकता हूं हाथ तो फर्स्ट राइट फर्स्ट राइट कोई नहीं बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर है सेकंड राइट में कितने लोग सेकंड राइट पढ़िए आराम सेकंड राइट चशमिस इतने बच्चे हैं बहुत बढ़िया सेकेंड राइट में इतने बच्चे हैं बहुत सुंदर ऑनलाइन बच्चे हाथ उठाइए अच्छा अच्छा तुम्हारा ठीक है ठीक है थर्ड थर्ड राइट में कितने लोग हैं थर्ड राइट चार पांच बच्चे इतना घुमाने का कोई फायदा नहीं है ये सिर्फ एक ही सही है जिसका नाम है तीसरा बाकी सब गलत है तीसरा एग्जाम्पल सही है बाकी सब गलत है तीसरा सही है थर्ड थर्ड एग्जाम्पल इज राइट बाकी सब गलत है तीसरा तुम्हारा सही है तीसरा एग्जाम्पल द इंडिया है, दिस मैच टू बिकट्स। तीसरा सही है कहां से ऑप्शन दे दिए कहीं नहीं सेम है कुछ ना कुछ तो अंतर है ना बेटा सेम हो ही नहीं सकता कभी अब ध्यान दीजिए कि आखिर तीसरा सही क्यों है जो कि मुझे सही बिल्कुल नहीं लग रहा अगर कोई सही लग रहा है तो उसका नाम है दूसरा इंडिया है सिंगुलर इंडिया है प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन की खासियत क्या है वो सुनिए नाउन ऑलवेज बी विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर प्रॉपर नाउन है अगर तो आजीवन कैपिटल लेटर में होगा यही पहचान है चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो चाहे लास्ट में हो जब मैं आपको बेसिक क्लास लूंगा ना तो कैपिटल लेटर का दस पंद्रह टेक्निक दूंगा कि कहां कहां होता है कैपिटल लेटर होता क्या है बहुत बच्चे अंग्रेजी सीख गए कोर्स खत्म उनको यही नहीं पता कि कैपिटल लेटर आता कहां है भाई जड़ ही कमजोर है तू पत्ते पे पानी दे रहा हरा कर रहा है और करा कि मुरझा क्यों गया पत्ता सर अरे जड़ में पानी देता और पत्ते पे नहीं भी देता तो पत्ते टाइट अकड़े हुए खड़े रहते मुरझाते नहीं यही हाल आ, आज के स्टूडेंट का है एजुकेशन का स्तर मेरे भाई इतना पिछड़ गया है मैं बताऊं मुझे दुख भी होता है मैं बिहार से हूं मैं सोचना जो एक बार मैं कमेंट में बोल दिया था बिहार यूपी के बच्चे तो बच्चों ने बिहार यूपी बड़ा बु, बुरा माना था उसको ये पता नहीं हुआ कि धर्मेश्वर कहां के हैं मैं भी खाटी शुद्ध बिहारी हूं अब शुद्ध बिहारी होने के कारण बिहार पर गर्व नहीं है मुझे क्योंकि बिहार में पिछड़ेपन बहुत ज्यादा है शिक्षा का स्तर पिछड़ा हुआ है मैं शुद्ध बोल देता हूं मुंह पे जवाब दे देता हूं तो लोगों को बुरा लगता है बिहार में शिक्षा मित्र की बहाली शिक्षा को पछाड़ने के लिए हुआ है पिछड़ने के लिए हुआ है ना कि बच्चों को भी उज्जवल करने के लिए हुआ है यह नेताओं का एक चक्कर है कि भाई वोट बैंक बढ़ेगा और कुछ नहीं है हो सकता है कि आपके भाई आपके भाभी हो सकता है कि शिक्षा मित्र बहाली हो रहे होगा पैसा मिल रहा होगा लेकिन बुरा मत मानना सत्य ही है सत्य ही है क्यों दस साल तक खेत में काम किया एक अक्षर पहाया नहीं आता तुमको YouTube पर कितना बिहार का हसीम उड़ रहा देखा होगा वीडियो नहीं तो अब यूट्यूब पर सर्च करना बिहार का शिक्षा का हाल उसे मिलेगा कि उसको अपना भी नाम अंग्रेजी लिख नहीं आ रहा को नहीं 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 ते 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 नहीं? हुआ था ना अच्छा बत्तीस दिया उसने साइन करने में मतलब बता रहा हूं ऐसे ऐसी स्थिति है कि प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता किसको शिक्षिका को टीचर को है ना बाबू तो मैं यही बात कुछ बोल दिया था यूट्यूब पर आ रहा था तो कमेंट बढ़े नेगेटिव आए लेकिन मुझे बुरा इस बात का नेगेटिव आया कि लेकिन सत्य बोला तो शिक्षा का स्तर बोलो गिरा कि नहीं गिरा तो जी टीचर को ही नहीं आ रहा है तो हालत खराब हुआ कि नहीं बता वही हाल है तो मैं आपको क्या करूंगा मैं आपसे क्या कहा बेटा बैच में तो गप ना करो के मैं क्लास में तो पढ़ाऊंगा ही इसके अलावा 20 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा किस लिए इन्हीं सब जरूरतों के लिए खाद और पानी डालने के लिए ताकि आपका जड़ और स्ट्रोंग हो आप मुझे कहो तो सही चाहिए क्या आप डिमांड करो ना पूरा करें तब कहना कि हाँ सर आपने बोला था हर बैच में बीस मिनट पढ़ाता हूं जब बच्चों का लेवल ठीक हो जाता है फिर छोड़ देता हूं

नेम ऑफ ध्यान देना गौर से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कोई भी नेम हो नेम ऑफ कंट्री और साफ लिखता हूं कोई भी नेम ऑफ कंट्री हो स्टेट हो कोई भी नाम हो तो दुनिया का कोई भी नाम बोलो प्रॉपर नाम होगा कि नहीं होगा होगा जवाब तो होगा कि नहीं होगा yes, अब नेम ऑफ कंट्री प्रोपर नाउन होगा तो प्रॉपर नाउन है अगर उस नाम से सिर्फ नेम नाम का ही पता चल रहा कुछ नहीं सिर्फ नाम ध्यान देना इंडिया से सिर्फ इंडिया का बोध हो रहा हो है ना भाई अब इंडिया से कभी कभी इंडिया का बोध नहीं होता होता है क्या को नहीं समझ में आया सर अभी सुनाता हूं हमने बोला भारत खेल रहा है भारत खेल रहा है। तो बोलो भारत इंडिया से इंडिया का बोध हुआ या सिर्फ सिर्फ प्लेयर का बोध हुआ अंदर से सोचो बेटा भारत खेल रहा है तुम भी खेल रहा है बोलो अरे तुम खेल रहा है जी अरे वही नहीं गा रहा प्लेयर खेल रहा है मैच लेकिन कहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं इंडिया जीत गया कहीं बोलते हो क्या कि विराट कोहली जीत गया धोनी जीत गया कौन जीता इंडिया।, इंडिया जीता तो यहां इंडिया का एक स्पेशल वर्ल्ड मतलब इंडिया से एक प्ले का बोध हो रहा है इंडिया से एक युद्ध का बोध हो रहा है भारत पाकिस्तान में मैच छिड़ गया युद्ध छिड़ गया भारत चाइना में युद्ध छिड़ गया भाई तुम तो बैठे हो युद्ध तो कोई और लड़ रहा है लेकिन अंदर से तुम एग्रेसिव हो समझ पा रहे हो भारत मैच खेल रहा है कोई कोई प्लेयर खेल रहा है नहीं मार रहा है अरे मार, मार। कैसा किसको लगा दिया यार बॉलिंग किया सिक्स गया इसको करने नहीं आ रहा ना दिन भर तो पार्टी करता है <laughs> बोलते ना हम लोग जी यानी बेचैन पूरा इंडिया है यानी इंडिया से देश का बोध ना होकर के इंडिया के लोगों का बोध हो रहा है समझ पा रहे हो यानी कि एक से इंडिया का नेम हुआ और एक से इंडिया से प्ले का बोध हो रहा है समझ बाबू गेम्स का बोध हो रहा है स्पोर्ट्स का बोध हो रहा है बाबू ठीक है वार का युद्ध हो रहा है बैटल का बोध हो रहा है समझ तो इस केस में वही नेम ऑफ कंट्री हो जाता है प्लूरल और वर भी लेता है प्लूरल और इसके साथ आर्टिकल द का भी यूज किया जाता है क्यों सर क्योंकि वहां से इंडिया खास बन गया वहां से इंडिया इंडिया नहीं रहा इंडिया खास बन गया पूरे पब्लिक का बोध हो रहा है हर लोग इन्वॉल्व हैं लोग हो गए प्लूरल और खास बनाना पड़ा तो आर्टिकल द भी ले रहा है इसलिए बनेंगे द इंडिया है वो और यहाँ से इंडिया हो जाएगा नेम तो नेम आजीवन होता है सिंगुलर वर भी लेता है सिंगुलर और आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे नो आर्टिकल क्यों क्योंकि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगता प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर लेकिन प्रॉपर नाउन का रोल जानना पड़ेगा ना कि रोल कैसा है अगर प्रॉपर नाउन जैसा काम करेगा तब ना होगा सिंगुलर प्रोपर जो काम करे तब ना आर्टिकल नहीं लगाएंगे यहां तो काम हाई फाई कर रहा है पूरा देश के लोग को इन्वॉल्व कर दिया तो तो लगाना पड़ेगा भाई दया तो देना पड़ेगा वो खास काम कर रहा है इंडिया ने मैच जीता है आसान की बात है तो द्या लगाओ। द्या लगाओ। मारा है अभी सब ढूंढेगा रेन मार्टिन में मिलेगा खन्ना बरमा सब मिलेगा एग्जाम में मिलेगा

डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वह पढ़ो जो यूज में आता है वह पढ़ो तुम कहीं बोलो तो पर्सनालिटी इंप्रूव होगा कहीं लिखो तो राइटिंग तुम्हारा एग्जाम पढ़े समझ में आया उसको बोलो कोई दिक्कत है किसी को समझ में आ रहा है तुम्हें तो पढ़ा रहा हूं तुम्हें नहीं ना पढ़ा नहीं रहा मैं आपको खंगालने का प्रयास कर रहा हूं आपके स्तर पर जाकर के मैं आपको थोड़ा सा देखना चाह रहा हूं कि आपका लेवल क्या है आपका लेवल क्या है मैं ये तो बहुत बड़ा लेवल कर दिया एक छोटा सा लेवल चेक कर लेता हूं छोटा सा क्या छोटा सा है ये बताओ राम आम खाता है राम एट्स मैंगो राम एड्स ए मैंगो राम एड्स द मैंगो अब समझना हमने बोला राम आम खाता है वर्ड पर ध्यान देना राम एक आम खाता है नहीं राम वही आम खाता है कि नहीं सिंपल वो राम आम खाता है अब हमने एक हिंदी बोला और आपको कहा कि इसका अंग्रेजी बना दो बस रा? राम आम खाता है डोंट बी कंफ्यूज तीनों लिखा हुआ अंग्रेजी तीन तरह दिखाऊं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको मैं सीधा लिखा हुआ है और हिंदी बोल रहा हूं राम आम जरा हाथ उठाना कितने बच्चे को यह सही लग रहा डॉ एक बच्चे को कितने बच्चों को बी सही लग रहा इतने सारे कितने गोसी से लग रहा इतने सारे अब जरा ध्यान दीजिए जा youtube देख लूं क्या मामला है हाँ बोल बेटा शिवम पाठक दो नंबर सोनू प्रसाद बाईस नंबर 22 का इसमें अच्छा दो दो बोला होगा दो 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 में सब हैं एक नंबर एक नंबर रॉकी एक नंबर शु राहुल शुभम विक्रम रिप्लायर सब दो दो बहुत सुंदर देखिए मेरे से जुड़े हुए सारे बच्चे ना बड़े ब्रिलियंट हैं ऑफलाइन ऑनलाइन सब ब्रिलियंट है पता है क्यों देखो अब जरा देखो राम तुम्हारा प्रॉपर नाउन है नोसू है इट्स भर वह भर वह है मैंगो मैंगो सब में अब देखो कॉन्सेप्ट कौस, कौस, क्या काम करता है मैंगो बचपन से तुम बोल रहे हो राम इट्स अ मैंगो बोल रहे हो ना अच्छी बात इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा आंसर नहीं इसको छुपा दिया क्या किया छुपा दिया तीन क्वेश्चन और लिया क्वेश्चन लिया टीचर इज टीचिंग दूसरा क्वेश्चन लिया आर टीचर इज टीचिंग तीसरा क्वेश्चन लिया द टीचर इज टीचिंग चौथा लिया द स्टूडेंट्स आर रीडिंग चौथा लिया द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल पांच फो एग्जाम्पल पांच है ना जल्दी से लॉलीपॉप फर्स्ट राइट में कितने लोग फर्स्ट लॉलीपॉप फर्स्ट राइट अब सब जबरदस्त जबरदस्त सेकंड राइट में कितने लोग थर्ड राइट फोर राइट लास्ट राइट देखो बेटा आज आप पढ़ के जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा ध्यान देना पहला से गलत है दूसरा सही है तीसरा भी सही है चौथा गलत है पांचवा सही है खैर नहीं बात करता हूँ आपसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसमें जीव चाहे वो मैंगो वाला हो चाहे तीसरे वाला हो ध्यान देना कॉन्सेप्ट में जो बोल रहा हूँ एक बट बोलूंगा आजीवन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं इस दुनिया में जितने भी सारे नाउन मैक्सिमम नाउन कॉमन नाउन है कौन सा नाउन है बोलो पेन कौन सा नाउन टेबल कौन सा नाउन बिल्डिंग कौन सा नाउन बॉय गौनाग। गर्ल काउ हॉर्स एलिफेंट डॉग सब तो इस दुनिया में 90 परसेंट नाउन कॉमन नाउन होते हैं पढ़ाऊंगा कैसे बताऊंगा आपको क्लास में बेसिक शुरू करूंगा तो इस दुनिया में सारे नाउन कॉमन नाउन है और दुनिया में कोई भी कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का यूज नहीं होता कोई भी कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का यूज नहीं होता अगर होता है तो करके दिखा एक भी ऐसा सेंटेंस बता जो कॉमन नाउन हो सिंगुलर हो काउंटेबल हो जो अकेले आया हो संभव नहीं है अगर वो कॉमन नाउन है सिंगुलर है काउंटेबल है तो उसके पहले आर्टिकल आएगा ही मुझे बताओ कि टीचर कॉमन नाउन है कि नहीं तो बोलो आर्टिकल ए लिया तो क्या गुनाह किया बोलो टीचर कॉमन नाउन है कि नहीं लिया तो क्या गुनाह किया देखो स्टूडेंट कॉमन नाउन है कि नहीं लेकिन ये प्लुरल है क्या है जी स्टूडेंट्स कहा था देखो लिखा हुआ है इसका मतलब कि आर्टिकल नहीं लेगा ये अब प्रश्न होता कि लास्ट भी तो दीजिए सर तो लास्ट प्लस स्टूडेंट्स है लेकिन वह स्टूडेंट्स वाला काम नहीं कर रहा काम कर रहा है जी स्टूडेंट्स का काम क्या है रीडिंग करना देखो रीडिंग कर रहा है ऊपर में तो कर रहा है तो नो आर्टिकल लगाए ना लेकिन नीचे भी बेचारा क्या कर रहा है बीटिंग द प्रिंसिपल है तो विद्यार्थी लेकिन प्रिंसिपल को ठोक रहा है तो बोलो प्रिंसिपल को ठोकना सामान्य बात है खास बात है सामान्य बात कहना <laughs> सामान्य बात है प्रिंसिपल को ठोकना सामान्य बात है खास बात है तो खास बात कोई भी दुनिया में करेगा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो आर्टिकल लेके करेगा भाई सुनो फिर से एक बार दुनिया का कोई भी नाउन अगर सिंगुलर हो काउंटेबल हो कॉमन नाउन हो तो बिना आर्टिकल के यूज डरना मत मैं जो पढ़ाऊंगा ना उस पर सीना टान लेना सत्य है गलत नहीं अगर पेन का यूज करना है तो बिना आर्टिकल, आर्टिकल लगाना पड़ेगा चाहे, लगाओ, चाहे, लगाओ, चाहे लगाओ, मतलब नहीं है राम इट्स मैंगो ये बाबू तो राम इट्स मैंगो एग्जाम्पल तुम्हारे पास था तो राम इट्स मैंगो, मैंगो बोलो नाउन है ना yes, गिन सकते हो ना काउंट कर सकते हो ना है तो मेटेरियल नाउन लेकिन जब एक नाउन की बात हो रहा है काउंटेबल की बात हो रहा है तो बन गया कॉमन नाउन चूंकि दुनिया में सारा नाउन यही से बनता है material. सब सिखाऊंगा आपको तो बोलो राम इट्स मैंगो 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 अकेले कभी नहीं आ सकता ए सही हो सही होगा द भी हो जाएगा गलत नहीं हो जाएगा अगर लाइन और जोड़ दिया जाए तो दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन आर्टिकल के बिना संभव नहीं है रटना नहीं है एक कॉन्सेप्ट हो हर जय जो तुम आर्टिकल पता कैसे पढ़ते हो नदी के पहले द झरना के पहले द पहाड़ के पहले द तुम ऐसे पढ़ते हो ग्रामर में लगे हो यार ग्रामर से नहीं एग्जाम आता आपको उसी पैटर्न को चेंज करो आप पढ़ने में लगा हो जिसके ताते थी टेंस रहा रही कंटिन्यूस चुका चुकी पर फिर गागे की फ्यूचर रट्टा मार रहे हो ऐसे काम नहीं चलेगा आप हिंदी से अंग्रेजी छोड़े और इंग्लिश को इंग्लिश सीखे कॉन्सेप्ट डेवलप करें अंग्रेजी में दिमाग खुल जाएगा समझ में आ जाएगा हमने आज, आज आपसे के साथ करी ये बताइए कुछ दिमाग खुला हमने कुछ नहीं पढ़ाया बेटा हमने इतना किया कि पढ़ना कैसे चाहिए उसका कॉन्सेप्ट दिया कैसे स्टार्ट करें उसका कॉन्सेप्ट दिया ना तो बताया सिलेबस न कुछ किया आज हमने बस डेमो दिया और आपसे डेमो लिया आप क्या हो मैं क्या हूं मैं कैसे पढ़ाऊंगा वो सिखाया लेकिन जो पढ़ाऊंगा एक सिस्टम से पढ़ाऊंगा ए नहीं कभी नाउन कभी आर्ट करके पढ़ाऊंगा ऐसे नहीं एक सिस्टम से चलेगा कॉपी कलम लेकर जब आओगे बता देना कि सर सिस्टम से शुरू करिए मैं सिस्टम से बिल्कुल बेसिक से अल्फाबेट शुरू करूंगा कल से कहते हो तो कल शुरू करूंगा परसों कहते हो परसों शुरू करूंगा बोलो कल से शुरू कर दू क्या तो कॉपी कलम लेकर के आना बढ़िया से कल इसका क्लास बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजी कैसे नहीं आता है अंग्रेजी को पछाड़ देंगे और जिन बच्चों को अंग्रेजी कमजोर होगा वो बीस मिनट एक्स्ट्रा टाइम देगा लेकिन वो आज से नहीं वो बेसिक किताब मेरा है एक, एक बेसिक किताब है दस रुपए का उसको ले लेगा और लेके आएगा सारे किताब आपको फ्री में मिलेंगे सारे किताब फ्री मिलेंगे दस पंद्रह किताब जो है फ्री मिलेगा लेकिन एक बेसिक वाला दस पाँच रुपया में खरीदना पड़ेगा कितना तीस रुपया तीस रुपया क्या है तो तीस रुपया में खरीदना पड़ेगा वो हैंड रिटन नोट्स है मेरा उसको खरीदोगे तब यहाँ क्लास में बैठोगे फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए ठीक है बचपन मैं आया तो और किसी बच्चे को लाइफ में कोई दिक्कत है पूछो कोई डाइट डाउट है कोई परेशानी है पूछो आज कुछ दिमाग खुला कुछ सबको ठीक है सब कुछ संतुष्ट हो तो घर चले हम लोग तो कल मिलते हैं फिर से एक बार किसी को दिक्कत हो लाइफ में तो मुझसे मिलो कि परेशानी बताओ